हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर कोरोना दवाई को लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग रेमडेसिविर या फिर प्लाज्मा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दवाई कब और कितनी लेनी है ये शायद आप नहीं जानते होंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन में कुछ डॉक्टर स्टेरॉयड भी लिख रहे हैं, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इसके लिए इनकार कर रहे हैं। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइवरमेक्टिन खाने की सलाह दी जा रही है। कोरोना होने पर घर बैठे बैठे आप कौन सी दवाई लें, किस दवाई का कितना प्रयोग, कोरोना के किस स्टेज में करना है, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारत सरकार के हेल्थ सर्विस के डीजी डॉक्टर सुनील कुमार हैं और साथ ही साथ लीलावती हॉस्पिटल मुंबई के कार्डिक सर्जन डॉक्टर वी शंकर हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। आजकल हम देख रहे हैं बाढ़ सी आ गई है, कंसल्टेशन जो है हमें सोशल मीडिया के जरिए मिल रही है, लेकिन सवाल यह है सर कि बुखार नहीं जाता है तो कितनी पैरासिटामोल खाएं और कब डॉक्टर के पास जाएं? बहुत अच्छा सवाल है पंकज जी। पैरासिटामोल एक सेफ दवाई मानी जाती है ओवरऑल, और अगर इसका सही मात्रा में और सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो बहुत ही सेफ मेडिसिन है। इसीलिए ये ओवर द काउंटर भी मिलती है। इसमें ये कहा जाता है नॉर्मली एक एडल्ट को, जो 60 किलोग्राम से ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसको 4 या 5 गोलियां पर डे एट एन इंटरवल ऑफ 4 से 6 घंटे के इंटरवल के बीच उस एक आदमी सेफली ले सकता है जी। चाहे वो आदमी हो चाहे वो एक लेडी हो। और बच्चों में फिर इसकी डोज को थोड़ा कम करना पड़ता है। एक और सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि अगर इसको, इस दवाई को अगर हम खाली पेट ना लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि कभी है जो किसी जिस मरीज को अगर गैस्ट्राइटिस या अल्सर की शिकायत ज्यादा नुकसानदायक दे सकती है। तो कुछ ना कुछ खाने के बाद लें, कुछ ना कुछ खाने जैसे बिस्किट खा लिया या ब्रेड खा लिया या अन्य कुछ पदार्थ ले लिया जिससे कि आप खाली पेट ना हो, और इतने घंटे का जरूर गैप रखें। और इससे ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लें और अपने आप इससे ज्यादा मेडिकेशन। बिल्कुल डॉक्टर रविशंकर, मेरे दो सवाल आपसे हैं सर। जी डॉक्टर रविशंकर, मेरे दो सवाल आपसे हैं। एक तो ये कि पहले हम देख रहे थे फर्स्ट फेज जो आया था पहला कोरोना, उसमें था कि 3-4 दिन में बुखार ठीक हो जाता, लेकिन अब ये 10 से 12 दिन तक चल रहा है, तो आखिर कब तक पैरासिटामोल खाएं? और दूसरा ये कि एंटीवायरल दवाएं कब लेना ठीक रहेगा? पंकज जी धन्यवाद। एंटीवायरल दवाई जो है रेमडेसिविर, फर्स्ट ऑफ ऑल माइल्ड केसेस में तो लेना ही नहीं चाहिए, मॉडरेट और मॉडरेटली सीवियर केसेस के लिए ही है। ज्यादातर 2 से 10 दिन के बीच में इसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है, तो ये वायरल रेप्लिकेशन में हेल्प करता है रोकने में। रेमडेसिविर घर पे नहीं दिया जाता, हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए ही है। दूसरी बात, जो पेशेंट 10 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में हो, जिसकी बीमारी आगे फैल गई और जो मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर हम बोलते हैं, उसमें एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए, कोई फायदा ही नहीं है। जहां इसका फायदा यह है कि पेशेंट का जो हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड है वो हम 2-3 दिन से कम कर सकते हैं, और आज के दौर में इसका बहुत महत्व है क्योंकि बेड्स की कमी है। तो 2-3 दिन भी अगर पेशेंट का हम हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयू या वार्ड में कम कर पाए तो इसमें बहुत फायदा है। पिछले साल जो पैंडेमिक आया था वो वायरल स्ट्रेन अलग था, और अभी आपको मालूम है कि वायरस जो है ओवर टाइम काम कर रहा है, उसने ऐसे म्यूटेशंस कर दिए हैं, डबल म्यूटेशन ट्रिपल म्यूटेशन भी हुआ है। वो वाला वायरस जो पिछले साल सन 2020 में था उसमें 2-3 दिन में फीवर उतर जाता था, अभी ये देखा गया है कि यंगर लॉट में अफेक्ट हो रहा है और फीवर भी ज्यादा दिन चलता है। माइल्ड केसेस में 3-4 दिन फीवर तो हम इतना परेशान भी नहीं होते, दवाई भी कोई, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था, सिर्फ पैरासिटामोल की जरूरत है। हम लोग डोलो 650 जो एक स्ट्रॉन्ग दवाई है, दिन में 4 बार भी लेने से काफी अच्छा रहता है, पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। अभी जो फीवर हो रहा है वो 3-5 से ज्यादा दिन रहता है, और पेशेंट जब हमारे पास आते हैं काफी देर के बाद आते हैं, उनका ऑक्सीजनेशन गिरने लगता है
और हमारा ये तजुर्बा है, अभी मैं जो लीलावती हॉस्पिटल में देख रहा हूँ 4000 पेशेंट हमने अभी तक इन पेशेंट ट्रीट किया है। ये जो आते हैं इनको आईसीयू की जरूरत होती है, इनका सैचुरेशन काफी गिरा होता है, इनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या इंट्यूबेशन करके वेंटिलेशन की जरूरत है। डॉक्टर सुनील, आप इस बार हम देख रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन इतनी ज्यादा मिल रही है और लोग चूंकि डरे इतना हुए हैं वो एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, तो सर उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक्स कब लेनी चाहिए, यानी कब ले सकते हैं? नहीं, इस बारे में पंकज जी मैं बिल्कुल एक क्लियर इंस्ट्रक्शन या क्लियर सलाह देना चाहूंगा कि एक जो पूरी तरह से इस बारे में डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है एक्सपीरियंस है, जो पेशेंट्स की बात को समझ सकता है थ्रू टेलीमेडिसिन, उन्हीं से इस तरह की जो सलाह है वो उचित रहती है या उसका फायदा होगा। और जब अगर कोई बात किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से अगर ये सलाह किसी वजह से गलत हो जाती है तो उसकी उसका जो है जो साइड इफेक्ट्स है वो पेशेंट को झेलने पड़ सकते हैं, इसलिए इस बारे में हमें अमूमन बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। रही बात एंटीबायोटिक्स की, सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हार्मफुल, हमेशा नुकसान देगा, कभी भी अपने आप एंटीबायोटिक ना लें, चाहे वो माइल्ड से माइल्ड क्यों ना हो, चाहे वो आपने पहले ली हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस उसके साथ रहा हो। ये वायरस डिफरेंट है, वायरस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं। बिल्कुल, देश के दो बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनकी सलाह जरूर मानिए। डॉक्टर सुनील साफ ये कह रहे हैं कि अपने आप से एंटीबायोटिक बिल्कुल ना खाएं, डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना एंटीबायोटिक्स आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। डॉक्टर रविशंकर, रेमडेसिविर इतना ये इंजेक्शन का हमने नाम सुन लिया, लोगों ने इसकी होर्डिंग करनी शुरू कर दी, ब्लैक मार्केटिंग इसकी हो रही है, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये कब लेना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, रेमडेसिविर पिछले साल कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, अवेलेबल था। उसके बाद जब पैंडेमिक धीरे धीरे प्लेटू कर गया तो कंपनियों ने रेमडेसिविर बनाना बंद कर दिया क्योंकि उनके लिए लाभदायक नहीं था, जो उनके स्टॉक थे वो डेट एक्सपायर हो रहे थे इसलिए उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे। सडनली जब पैंडेमिक फिर सेकेंड वेव आया, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि रेमडेसिविर ओवरनाइट नहीं बनता है, इसके 25-30 पदार्थ होते हैं, 25-30 दिन लगता है इसको बनाने में, मैन्युफैक्चर टू ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम लगता है। कब देना चाहिए? जैसे मैंने कहा, माइल्ड केसेस में बिल्कुल नहीं देना चाहिए और देना चाहिए जब वो मॉडरेटली सीवियर या सीवियर हो, जहां पे अगर HRCT किया हो उसका कोरैट स्कोर हम देखते हैं 16-17-18 हो, 50% से ऊपर इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों में हम डी डाइमर करते हैं, फेरेटिन करते हैं, IL-6 तो खैर टोसिलिसुमैब के लिए है, साइटोकाइन स्टॉक, ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनके बदौलत ही हम डिसाइड करते हैं कि रेमडेसिविर देना या नहीं। डॉक्टर सुनील, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, ट्विटर आप देखिए, फेसबुक आप देखिए, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर प्लाज्मा प्लाज्मा ये शब्द सुनने को मिलता है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, क्या बिना डॉक्टर की सलाह के ये लेना चाहिए? नहीं, जैसा मेरे साथी कर्नल साहब ने कहा, ये रेमडेसिविर हो चाहे और कोई एंटीवायरल ड्रग हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, चाहे आपका प्लाज्मा हो, चाहे टोसिलिज़ुमैब हो, ये कोई भी दवाई जो है या कोई भी ये प्लाज्मा है, थेरेपी है, ये खुद से नहीं करनी है, और इसका फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ जब ही मिलेगा जब डॉक्टर अच्छी तरह से सोच समझ करके, क्रिटिकल एनालिसिस करके कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपकी हालत क्या है। देखिए, हम एनाटॉमी नहीं ट्रीट करते हैं, वी डू नॉट ट्रीट, हम डॉक्टर्स जो हैं वो सीटी स्कैन को नहीं ट्रीट करते, हम ये देखते हैं कि मरीज को उससे तकलीफ क्या हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, या उसको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है, या ऑक्सीजन लेवल उसका लगातार घटता जा रहा है, एक या दो रीडिंग घटने से भी कुछ नहीं होता है, और उसको डिफिकल्टी हो रही है, या उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स आर नॉट करेक्ट, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्टर जो है कोई भी सलाह देगा या कोई भी डिसीजन लेगा। रही बात प्लाज्मा की, इसमें एविडेंस दोनों तरफ है, इस फेयर में भी है कि ये थोड़ा बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ ये कंट्रोवर्शियल भी है कि इसका फायदा होता है कि नहीं होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना जाएं, अपने आप सलाह ना लें, एक दूसरे से जो बातें सुन रहे हैं उन पे ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स
जो कि प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे उनकी सलाह से जाएं। डॉक्टर रविशंकर, पिछले फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें कोरोना की, तो उस वक्त हमने देखा था कि अगर रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है तो आइवरमेक्टिन खाने की सलाह दी जा रही थी, इसे कब लेना चाहिए? देखिए, दो तीन दवाइयां ऐसी हैं जो होम क्वारंटीन के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने कहा, माइल्ड केसेस में तो सिर्फ पैरासिटामोल एंड विटामिन सी जिंकोविट ऐसे होता है। बाकी जो आइवरमेक्टिन 3 दिन का 12 मिलीग्राम देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, फैबीफ्लू, ये जो दवाइयां हैं, ये अगर वीडियो कंसल्टेशन के साथ हम पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ पेशेंट करें और वो डिसाइड करें बेस्ड ऑन सीआरपी, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो होम सैंपल कलेक्शन के बाद भी होता है, उसके आधार पर ही हम शुरू करते हैं। हर केस में आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फैबीफ्लू नहीं होता है। ये मैं कह दूं कि होम क्वारंटीन में ही जनरली ये शुरुआत किया जाता है, अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट केस। डॉक्टर सुनील, एक छोटा सा सवाल और है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन जो लोग ले रहे हैं, डॉक्टर कुछ हैं वो स्टेरॉयड की बात करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स इसके लिए मना कर रहे हैं, क्या करना चाहिए सर, इसको लेके भी कंफ्यूजन है? नहीं, पहले पांच दिन की जो इलनेस है उसमें स्टेरॉयड्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि स्टेरॉयड्स कभी कभी देने से अगर हम वक्त से पहले दे दें तो उसका एक रिबाउंड फिनोमेना होता है और उसका असर जो है ज्यादा खराब होता है। वक्त के समय पर ही स्टेरॉइड्स लेने चाहिए और सही सलाह डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए। मैं ये बार बार कहना चाहूंगा, पहले 5 दिन में स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन का कोई रोल नहीं है। ये सब बातें डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, कब आपने स्टेरॉइड लेना है, कब आपने आइवरमेक्टिन लेना है, कब आपने एक्सरे कराना है, कब आपने सीटी कराना है, कब आपने रेमडेसिविर के पीछे भागना है। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से करें, खुद अपने आप मेडिकेशन में ना करें, ना डिमांड करें, ना एक दूसरे की बात सुने, ना किसी तरह की अफवाहों में फैले। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर रविशंकर, आपने इतनी जरूरी जानकारी बताई, हम उम्मीद करते हैं कि लोगों ने आपको बड़े ध्यान से सुना होगा, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया आप दोनों का। Hi, I'm Surbhi Sharma. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।